भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह नाम भले ही दो हैं, लेकिन मालूम एक से पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच दूरियां तो काफी पहले आ चुकी थी। फिल्में तो ये दोनों एक साथ काफी सालों से करना बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के नामों में ऐसा आकर्षण है कि दर्शक चुंबक की तरह खींचते हुए चले आते हैं। जी हाँ, इन दिनों एक खबर काफी तेजी से फैल रही है कि क्यों खेसारी लाल यादव ने अपनी बेटी के बर्थडे में अक्षरा सिंह को नहीं बुलाया। आपको बता दे कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के रिश्ते इन दिनों बड़े ही अच्छे मूड पर चल रहे हैं। ये दोनों एक साथ एक फिल्म भी कर रहे हैं। बताया जा रहा था, इस फिल्म से अक्षरा सिंह को निकलवाने के लिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के घर जाके बकायदा उन पर दबाव भी डाला था कि अक्षरा सिंह को इस फिल्म से निकाल दिया जाए। हाँ, ये भी खबरें मीडिया में उड़ते उड़ते ही आई थी, और जैसे ही ये खबर उड़ते उड़ते आई, उड़ते उड़ते चली भी गई। कहा तो ये गया कि फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ही ऐसी खबरें उड़ाई थी कि पवन सिंह उस फिल्म से अक्षरा सिंह को निकालना चाहते हैं, और इसी के लिए पवन सिंह खेसारी लाल यादव के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ इन दोनों की ये बात नहीं बनी। और अब एक और अफवाह ने जन्म लिया है, जहाँ खेसारी लाल यादव से बार बार पूछा जा रहा है कि वो अपनी बेटी के बर्थडे में अक्षरा सिंह को क्यों नहीं बुलाए, जबकि उन्होंने भोजपुरी के और सभी स्टार्स को बुलाए। लेकिन उस वक्त अक्षरा सिंह बकायदा मुंबई में मौजूद होते हुए भी क्यों नहीं आई। तो आपको हम यहाँ बता दें कि खेसारी लाल यादव की पत्नी और अक्षरा सिंह में 36 का आंकड़ा है। अरे भाई, कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति की एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद करेगी, और कौन सा ऐसा पति होगा कि अपने ही एक्स गर्लफ्रेंड को अपने ही घर में बुलाकर महाभारत करवाएगा। ऐसे में तो जब भी पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ रखने की बारी आएगी तो इंसान पास्ट को छोड़ प्रेजेंट ही चुनेगा ना। फिर अक्षरा सिंह के नाम का ही सवाल बार बार क्यों गूंजता है। वैसे तो खेसारी लाल यादव की बेटी के बर्थडे की पार्टी के मौके पर काजल राघवानी भी कभी नहीं पहुंची, और काजल राघवानी और खेसारी के रिश्ते तो जग जाहिर है। फिर ये सवाल क्यों नहीं उठता कि काजल राघवानी क्यों नहीं आई। काजल राघवानी चाहे मुंबई में हो या ना हो, वो खेसारी लाल यादव के बेटे या बेटी के बर्थडे पे उनके घर जाती ही नहीं है, ये सवाल तो कभी नहीं आया। फिर अक्षरा सिंह को ही क्यों बार बार टारगेट किया जाता है, जबकि लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा और अक्षरा के बीच कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। वैसे भी हम यहाँ कहना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव के जीवन में मुसीबतें कम हैं, जो उनके लिए नई नई मुसीबत रोज मीडिया में पैदा हो रही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।